हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात किया था IRCTC का अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं वो कैसे रिसेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप IRCTC का जो यूजर नेम है वो भूल जाते हैं वो कैसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, आखिरी तक हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव, पर स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना मोबाइल में चला जाएंगे, IRCTC जो मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अभी हम अपना मोबाइल पे आ गया है, फिर यहाँ पे IRCTC कनेक्ट जो ऐप है वो ओपन कर लेंगे, ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे कोने में एक लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यूजर ID पासवर्ड आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट पासवर्ड, तो आप पासवर्ड यहां से भी रिसेट कर सकते हैं। तो फॉरगेट यूजर नेम, हम जो यूजर नेम फॉरगेट किया है, भूल गया हूं, तो उसे रिसेट करने के लिए फॉरगेट यूजर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पे देख सकते हैं आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है, जो जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप IRCTC में अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी यहां पे डालिए। और डेट ऑफ बर्थ यहां पे डाल देना है आपका, और ये कैप्सा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी हम यहाँ पे ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ईमेल आईडी जो कि IRCTC अकाउंट के साथ लिंक था वो यहाँ पे डाल चुका हूँ, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल चुका हूँ और ये कैप्सा कोड भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। अभी सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद योर यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो बताया जा रहा है। अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में यूजर आईडी भेज दिया गया है। तो अभी हम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अगर चेक करें तो यहाँ पे मेरा जो यूजर आईडी IRCTC से मेल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा यूजर आईडी IRCTC का मेल में आ चुका है। दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर IRCTC का यूजर आईडी यूजर नेम भूल जाते हैं तो आप रिसेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप IRCTC का यूजर नेम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।